नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। राम मंदिर के मामले में आज आने वाले फैसले को लेकर धार में पुलिस के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को जिले में तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात है। जिले में सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों का अवकाश घोषित है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं धार के पुलिस नियंत्रण कक्ष से सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल भेजा जा रहा है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह खुद सारी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि धार शहर संवेदनशील शहर माना जाता है। धार शहर में धार एसपी के द्वारा निरीक्षण किया गया एवं वाहनों का काफिला धार शहर में से गुजरा। धार एसपी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, जिले में पर्याप्त बल मौजूद है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तुम लोगों के पास बॉडीगार्ड हेलमेट है? ऐसे करोगे मरोगे क्या? एसपी साहब ने क्या बोला? अभी लिए सर मैं। मेरा माथा खराब मत करना यार, ठीक है ना? अयोध्या प्रकरण को लेकर फैसला आने वाला है। चूंकि ये संवेदनशील मामला था, पहले से ही हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, तो सभी थानों में, सभी सब डिविजन्स में सब डिविजन लेवल का प्लान बना के और कार्रवाई की जा रही है। और आज भी एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया है, सभी अधिकारी फील्ड में हैं और पूरी जो व्यवस्था है चुस्त और चौकस है। देखिए, करीब 300 का एक्स्ट्रा बल जो है वो धार जिले को मिला है। धार में संवेदनशील जिला होने के कारण ऑलरेडी एक बल एक्स्ट्रा रहता है, तो हमारी तैयारी पूरी है और हम हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार हैं।